हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल दीज डेज? वी आर स्टडिंग द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट. ठीक है, योर लेसन 6, फुटप्रिंट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10. वर्किंग ऑन दिस लेसन वी हैव ऑलरेडी गिवन यू समरी ऑफ द लेसन एंड दोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 2 मार्क एंड 5 मार्क्स विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम्स. आई एम हियर विद करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट. हमने समरी की, एक्सरसाइज की, तो क्या जाना उसके बारे में? क्या आप उसकी एक स्केच लिखिए, आप उसके ऊपर बनाइए उसका. तो क्या ही वॉज ए डिवोटेड स्टूडेंट ऑफ साइंस. यस, साइंस में उसका इंटरेस्ट था. ही हैड ऑल द क्वालिटीज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ अ गुड साइंटिस्ट. ये लिखिए लाइन. बिजाइड हिज लव ऑफ साइंस, एब्राइट हैड सम अदर इंटरेस्ट और भी थे उसके ऑल्सो. ही वॉज एन ऑलराउंडर. He was a champion debater, an eager astronomer, stargazer, and eloquent public speaker, and a skilled canoeist. कितनी चीज़ें देखिए आप. There are so many things to learn. Why to waste time? Life is so small. We have no time to waste, children. He was an expert photographer also, and his social study teacher, क्या कहते थे उसके बारे में, Mr. Wehrer जो थे, had said that he was competitive in a positive sense. He was not interested in winning for the sake of winning. He won because he wanted to do his best in whatever he did. He wanted to give his best. He wanted to be the best for all the right reasons. These were the qualities. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये हैं करेक्टर स्केच ऑफ जो आपने लिखना है. 120 वर्ड्स में 5 मार्क्स का आता है, तो इट शुड बी इनफ इन करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट, जिसकी कि कैसे वो ग्रेट साइंटिस्ट बना. इन दिस वीडियो इट शुड बी इनफ. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी बाई गोइंग टू कमेंट सेक्शन. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, क्योंकि अच्छी चीज़ तो बांटने के लिए होती है. दोस्तों में शेयर कर दो कि करेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट सर ने बना दिया है, सभी बच्चे देख लें. अगले वीडियो में आने वाला हूँ, क्योंकि आपका इस बार जो क्वेश्चन पेपर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहने वाला है, तो मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी. आई नो. गॉड ब्लेस यू ऑल. यू ऑल आर वंडरफुल. थैंक यू फॉर बींग विद मी. Bye bye, see you there, come.